नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेडेन जूलियन ऑसिलेशन। सबसे पहले बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत में प्रायः अक्टूबर से दिसंबर माह के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस वर्ष अक्टूबर माह में कोई भी चक्रवाती तूफान उत्पन्न नहीं हुआ। इसके लिए भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में ला नीना की कमजोर परिस्थितियों को जिम्मेदार माना गया है। समुद्री सतह के तापमान के सामान्य से कम होने की परिस्थितियों को ला नीना कहा जाता है। यह परिस्थिति भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस वर्ष के अगस्त माह से ही बनी हुई है। ला नीना की कमजोर परिस्थितियों के लिए MJO यानी मेडेन जूलियन ऑसिलेशन को कारण माना गया है। देखते हैं मेडेन जूलियन ऑसिलेशन क्या है। दरअसल इसकी खोज अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च NCAR के वैज्ञानिकों डॉक्टर रोनाल्ड मेडेन और डॉक्टर पॉल जूलियन द्वारा 1971 में की गई थी। इसकी खोज के समय दोनों वैज्ञानिक उष्णकटिबंधीय पवनों और दाब के पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र यानी वेस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में सिंगापुर और कैंटन द्वीप के बीच पवनों के नियमित ऑसिलेशन को देखा। अब देखते हैं मेडेन जूलियन ऑसिलेशन क्या है। MJO उष्णकटिबंधीय वायुमंडल की वैश्विक स्तर पर होने वाली एक घटना है। इस घटना के समय उष्णकटिबंधीय मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। MJO की घटना का संबंध भूमध्य रेखा के पास पूर्व दिशा की ओर बादलों और वर्षा की उपस्थिति से है। आमतौर पर 30 से 60 दिनों में इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। हालांकि उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में MJO हमेशा मौजूद नहीं रहता। MJO का प्रभाव हिंद महासागर और पश्चिमी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मानसून सहित प्रमुख वैश्विक मानसून पैटर्न के समय उत्पत्ति और तीव्रता को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर भी MJO घटना का प्रभाव होता है। इसका प्रभाव पवनों की दिशा में होने वाले बदलाव, बादलों के आच्छादित होने और वर्षा के पैटर्न पर पड़ता है। MJO के प्रभाव वाले क्षेत्र में अधिकांश उष्णकटिबंधीय वर्षा बादलों की गरज के साथ होती है। इस वर्षा के कारण ठंड बढ़ जाती है। बात करते हैं मेडेन जूलियन ऑसिलेशन के चरण यानी फेजेस की। चरण एक में MJO के पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर संवहन के कारण होने वाली वर्षा का क्षेत्र विकसित होता है। चरण दो और तीन में वर्षा का क्षेत्र धीरे धीरे पूर्व की ओर अफ्रीका, हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में बढ़ता है। चरण चार और पांच में वर्षा क्षेत्र इंडोनेशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर तक पहुंच जाता है। चरण छह, सात और आठ में वर्षा पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व में आगे बढ़ती है और अंत में मध्य प्रशांत में जाकर समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं MJO का दुनिया भर के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे MJO विश्व मौसम को प्रभावित करता है। MJO उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। MJO का मानसून के आगमन पर नियंत्रण होता है। इसका प्रभाव एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO पर भी पड़ता है। इसके कारण अल नीनो और ला नीना की घटना नहीं होती, लेकिन MJO अल नीनो और ला नीना की उत्पत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में योगदान करता है। नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडेन जूलियन ऑसिलेशन की खोज अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के वैज्ञानिकों डॉक्टर रोनाल्ड मेडेन और डॉक्टर पॉल जूलियन द्वारा 1971 में की गई थी। कथन दो, MJO की घटना का संबंध भूमध्य रेखा के पास पूर्व दिशा की ओर बादलों और वर्षा की उपस्थिति से है। कथन तीन, MJO अल नीनो और ला नीना की उत्पत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीनों?
इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।